अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पनीर रोल्स। अक्सर ऐसा होता है कि घर में रोटियाँ बच जाती हैं और हमें समझ नहीं आता क्या करें, उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आप बनाकर 2 से 3 दिन इन्हें स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और फिर जब मन किया तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है 2 टीस्पून। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक मिलाकर डाल देंगे 2 टीस्पून भरकर। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। 1 छोटा प्याज यूज़ किया है हमने। प्याज को भी हमें 1 मिनट पका लेना है चलाते हुए, बस नरम करना है। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 गाजर डाल देंगे मीडियम साइज़ का, 2 हरी मिर्चियाँ बारीक कट करके। गाजर को भी चलाते हुए पकाएंगे 1 मिनट। फिर हम इसमें 1 छोटा कैप्सिकम डालेंगे, शिमला मिर्च, थोड़े कॉर्न डालेंगे बॉईल किए हुए, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें। थोड़ा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से 1 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। 1 से 2 मिनट चलाते हुए हमने सारी चीज़ों को पका लिया है। हम इसमें पनीर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ, ये 200 ग्राम पनीर है। आप पनीर की जगह आलू यूज़ कर सकते हैं बॉईल करके। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, हरी प्याज के पत्ते, ये ऑप्शनल है, ना चाहें तो ना डालें। नींबू का रस 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर बस 1 चुटकी। फ्लेम लो है, सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए पका लेना है अच्छी तरह, ताकि इसमें अगर कोई नमी है, कोई मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए। बस अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट पकाया है। तमाम चीज़ों को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने यहाँ पर रोटियाँ ले ली हैं, बस वही रोटियाँ जो हम घर पर खाते हैं। आप चाहें तो जो रोटी बच गई है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो फ्रेश रोटी है उसका भी बना सकते हैं। हमने जो मिक्सचर बना कर रखा है हम उसे रोटी पर स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है, बिल्कुल साइड्स तक नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। हमने रोल कर लिया है रोटी को, थोड़ी थोड़ी सी हम इनकी साइज निकाल लेंगे इस तरह से। हमने 1/2 कप पानी में 2 टेबलस्पून मैदा लिया और मिक्स कर लिया है। इस तरह से हमें इसकी एक पतली स्लरी बनाकर तैयार करनी है। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। जो रोल्स हमने तैयार किए हैं पहले हम इसमें डिप करेंगे। फिर हमें इन्हें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। हमें अक्सर हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि अगर अंडे से कोटिंग ना करें तो क्या इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग अंडा नहीं खाते। तो आप इस तरह से, जैसे हमने मैदे और पानी की स्लरी बनाई है, इस तरह से स्लरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अंडे की जगह पर किसी भी फ्राई आइटम को बनाने में। इसी तरह से हम सारे रोल्स को तैयार कर लेते हैं। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है, बाद में फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें